लेकिन एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभिक के चारों ओर चलता है, सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती। देखिए हिंड और दी गई है, हिंड दी गई कि आप पी स्क्वायर और ए स्क्वायर परवलय का समीकरण यूज करें, का समीकरण ये हिंट दी गई। अगर ये हिंट नहीं होती तो मैं डायरेक्ट करता, ठीक है, लेकिन ये हिंट ये दी हुई है तो इसलिए इसी से करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, देखिए एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में चलता है, ठीक है, तो कोणीय वेग कितना हो जाएगा, थीटा डैश, ये होता है वो मान लेता हूँ लैम्डा, ठीक है लैम्डा, ठीक। अब देखिए अपन जानते हैं कि जो थीटा डैश होता है वो होता है वीपी अपॉन आर स्क्वायर, देखना शुरुआत में ये आर्टिकल मैंने करवाया है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब ये होता है, ये क्या क्या चीजें होती है इसमें मैं एक बार बता देता हूँ आपको, उसे ये कर्व है, ठीक है, ये एंगल जो है ये कोई साई एंगल बनाता है इससे, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर ये एक एंगल है, ये डेल साई एंगल बनाता है, ये भी डेल साई एंगल बनाता है, और ये वाली, तो ये जो लंबाई है वो तो पी, ये वाली जो लंबाई है ये तो पी है, इसमें ये आर जो है वो ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और जो वी है वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक ही बात है, वी प्लस डेल वी या वी, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला ये डेल साइन होगा तो ये हो जाएगा v cos डेल से, ठीक है। अब ये बात है, ठीक है, यहाँ से आपको डायग्राम से पता लग जाना चाहिए कि ये चीज़ें ये होती हैं, ठीक, क्या क्या होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं पर अभिलंब, ठीक है, ये देखा ये ना ये यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएगा हमेशा, ठीक है, ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थीटा लैम्डा, तो देखें थीटा का मान करते हैं लैम्डा, तो वीपी अपॉन आर स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब देखिए वी का मान निकाल रहे हैं, तो वी का मान अगर निकालते हैं तो आ जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर बाई पी, एक बस, ठीक है, हो गया। अब देखिए कर्व कौन सा गिवन है, पी स्क्वायर बराबर ए आर, ये ए आर या अल्फा आर जो भी है, ए ये जो है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये जो परवलय आप जानते हो कि सब ऐसे बनता है परवलय, ठीक है, तो उसी में ये पी जो होता है उसका पदिक समीकरण होता है, परवलय का पदिक समीकरण होता है, ठीक है। अब देखिए अगर वक्रता त्रिज्या की बात करूं तो रू वो होती है कितनी होती है, आर डी आर बाई डी पी, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बराबर आर डी आर डी पी, पदिक समीकरण का हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो रो हुई होती है, तो देखिए बात करें, ठीक है, अब देखिए रो निकालो तो देखिए पी स्क्वायर, ये अवकलन कर दो टू पी डी पी बाई डी आर, ये जाएगा कितना अल्फा, ठीक है, यहाँ से मैं डी आर अपॉन डी पी निकाल लूँ, डी आर अपॉन डी पी, तो मेरे पास जो वैल्यू होगा जाएगा टू पी अपॉन अल्फा। आगे अब ये देखिए ये रो की जगह रख दूँ तो रो का मान कितना आ जाएगा, आर यानी टू पी आर टू पी आर अपॉन अल्फा, ये दोनों इक्वेशन, ठीक है, दोनों नंबर इक्वेशन होगी। अब देखें क्योंकि जो जो चीजें वक्रता त्रिज्या समानुपाती दिखाना था इसलिए वक्रता त्रिज्या निकाल ली, ठीक है, ये कोणीय वेग की कम दी गई थी इसलिए कोणीय वेग में कुछ निकाल लिया। अब अपने से पूछा कि अभिलंबिक त्वरण जो है और वक्रता त्रिज्या समानुपाती थी, अब देखिए आप अभिलंबिक त्वरण यानी कि ए एन की बात कर रहे हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या रो, ए एन क्या होता है वी स्क्वायर बाय रूट, है ना, एक रो नीचे और है कितना रो स्क्वायर हो जाएगा, रो स्क्वायर वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे लैम्डा, ओके लैम्डा आर, तो स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर फोर अपॉन ये क्या है पी, तो पी स्क्वायर, पी स्क्वायर,
ठीक है। अब देखें वी स्क्वायर का मतलब, अब चाहिए अपने को सिर्फ और सिर्फ रो का मान, रो का मान ये है तो इसका स्क्वायर कर दें, अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर पी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये ठीक है। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जो लैम्डा का मान है वो है लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर, लैम्डा ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर और फोर पी की पावर पी फोर। देखें एक बार सही है क्या, हाँ ठीक है। अब देखें यहाँ से और बात करूँ तो हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा, सॉरी अल्फा, तो पी की पावर फोर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा फोर, तो इस सॉरी अल्फा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह अल्फा स्क्वायर की जगह पी फोर रख दूँ। देखिए हाँ ये करता हूँ, ओके पी सॉरी लैम्डा पी फोर अपॉन में भी फोर पी फोर, पी फोर से पी फोर कटेगा कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर में फोर, यानी वी स्क्वायर बाई दो स्क्वायर का जो मान है, यदि ऐसे करूँ इसको वो लिख दूँ ए एन अपॉन टू, जो रो का मान है कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर में। अच्छा अब देखिए लैम्डा मैंने कौन से नहीं था, गिवन है प्रश्न नहीं मानते कि जो कौन ही वेग लैम्डा के बराबर, जो कहते हैं कॉन्स्टेंट राशि है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट होगा और वन बाई फोर जो है वो भी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि पूरा जो है किसी न किसी वैल्यू के बराबर है, फिक्स वैल्यू है, नियतांक के बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, फिर ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, ये लो ऐसे लिखना कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगर ये नियतांक है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर इसको प्रोपोर्शनल कर दें, बस यही अपने को सीख करना था कि जो अभिलंबित त्वरण है वो उस बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती हो, ये क्वेश्चन हो गया। बस आपको टर्म्स है ना वो ये वाली ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाली, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू पुट नहीं करते ना तो आर एक वेरिएबल हो जाता है, चल हो जाता है, ये आर परिवर्तित होगा और पी भी परिवर्तित होगा, तो फिर अपन दिखा नहीं सकते कि कॉन्स्टेंट है, इसीलिए उसको मान रख के काटना पड़ता है, ठीक है।